अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको विंडो 10 की ISO फाइल डाउनलोड करने के दो आसान से तरीके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि विंडो 10 को USB फ्लैश में किस तरह बूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। विंडो 10 की ISO फाइल को टोरेंट से डाउनलोड करने का तरीका कुछ इस तरह है। आपके पास टोरेंट डाउनलोडर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से 2 MB का है। फाइल एपो के वेबसाइट पे जाके सर्च में टोरेंट लिखें और यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये हो गया, इंस्टॉल कर लें इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट करें, फिर इसको फिनिश कर दें। ये इंस्टॉल हो गया। अब गूगल पे जाके आपने लिखना है लाइम टोरेंट, LIMETORRENT, लाइम टोरेंट। लाइम टोरेंट की टॉप वेबसाइट को ओपन करें और यहाँ प्रॉक्सी 1 पे क्लिक करें। ये जब ओपन हो तो यहाँ आपने लिखना है जस्ट विंडो 10। इसके बाद विंडो 10 से रिलेटेड फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी, तो यहाँ से आपने नीचे आना है। तो ये आप देख रहे हैं 2.57 GB की विंडो 10 की ISO फाइल, इस पर क्लिक करें। ये जब ओपन होगी तो यहाँ नीचे लिखा है मैग्नेट डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा ओपन मैग्नेट URL। अगर ये ऑप्शन ना आए तो जो आपने टोरेंट डाउनलोड और इंस्टॉल किया है उसको ओपन करके फिर मैग्नेट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद टोरेंट डाउनलोडर ऑटोमेटिकली इस फाइल को रिसीव करेगा, तब आपने ओके कर देना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैं वीडियो स्पीड बढ़ा रहा हूँ। डाउनलोड कम्प्लीट हो गई। आपने इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से फोल्डर ओपन करना है, तो ये आ गई विंडो 10 की ISO फाइल। इसको कट करके मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूँ। ओहो, इसको पहले टोरेंट से रिमूव करेंगे तब पेस्ट होगी डेस्कटॉप पे। जस्ट रिमूव करना है, डिलीट नहीं कर देना। तो ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडो 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। गूगल का ब्राउज़र ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 लिखें, यहाँ टॉप वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन हो तो यहाँ डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करें। इस टूल का नाम है मीडिया क्रिएशन टूल, ये 12 MB का है। आफ्टर इंस्टॉलेशन इसको ओपन करें। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट लॉन्च होता है और ये इसका इंटरफेस है। आपने एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। इसके बाद ये दो ऑप्शन आएंगे कि मौजूदा विंडो को अपडेट करेंगे या ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। तो ऑब्वियसली हमने ISO फाइल डाउनलोड करनी है। इसके बाद ये मैनुअल सेटिंग है, लैंग्वेज और सिस्टम का पूछ रहा है 32 या 64, तो मेरी माने तो बोथ को सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट करें। अब ये कह रहा है कि डायरेक्ट USB में डाउनलोड करेंगे या अपने PC स्टोरेज में, तो मैं PC स्टोरेज को सेलेक्ट करता हूँ, USB तो अटैच नहीं की। सेव पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं वीडियो स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास फास्ट नेट है तो ये जल्दी हो जाएगी, वरना थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो ये सी डाउनलोड्स के फोल्डर में ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको फिनिश कर दें, ये आ गई आपकी फाइल। इसको कट करके पेस्ट करता हूँ डेस्कटॉप पे। ये हो गया जी। दोनों तरीके आपको समझ आ गए। अब विंडो 10 को बूट करने के लिए एक छोटा सा 3 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। गूगल ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ लिखें रूफस, RUFUS, बस इतना लिखें। टॉप वेबसाइट ओपन करें और इसको डाउनलोड करें। यहाँ से स्टार्ट हो गया, डाउनलोड कंप्लीट। ओपन फोल्डर, इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। रूफस को भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, ये भी डायरेक्ट लॉन्च होता है। 8 GB की USB अटैच करें अपने PC या लैपटॉप के साथ। ये मैंने USB लगा दिया 8 GB के, आप देख सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि विंडो 10 को बूट किस तरह करना है। रूफस ओपन करें, ये ऊपर देखें आपकी 8 GB की USB शो हो रही है। यहाँ से ISO फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड की है। मेरे पास 2 ISO फाइल्स हैं लेकिन सिलेक्ट एक को ही करना है। मैंने डेस्कटॉप पे रखी है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है, इसको ओके कर दें और ये USB बूट होना शुरू हो गई है। कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज कर दें और आपकी USB रेडी है विंडो इंस्टॉलेशन के लिए।
इसको एक दफ़ा अनप्लग करके दोबारा अटैच करें तो ये रेडी है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।